हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाय टू सब्जेक्ट, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर, जहां आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के यूनिट नंबर 4 कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ने के लिए बहुत सारी अप्रोचेस का प्रयोग होता है, उसी में एक इंपॉर्टेंट अप्रोच है पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच, राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर आप बायजूस एग्जाम प्रेप के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस क्लास को लाइक कर दें एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इफ यू फाइंड इट यूजफुल। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट विद पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच के जनक कौन है, तो लूसियन पाई का आप नाम सुनते हैं, जो कि पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच के फादर के नाम से जाने जाते हैं। लूसियन पाई भले पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच के फादर के नाम से जाने जाते हैं, बट इनमें कंट्रीब्यूशन जो है वो गैब्रियल आमंड का और सिडनी वर्बा का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है। गैब्रियल आमंड और सिडनी वर्बा, तो अगर कुछ किताबों में आप गैब्रियल आमंड को जनक पढ़ते हैं तो वो इसलिए क्योंकि गैब्रियल आमंड के स्टेप से पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हुई एंड लूसियन पाई वॉज द वन हु वॉज देयर फर्स्ट, सो देयरफॉर ही इज नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच। स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल कल्चर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले जैसे कि हम कल्चर का मतलब समझते हैं, कल्चर इज व्हाट, वॉट एवर इज अवर फेथ, इज अवर बिलीफ, इज अवर ट्रेडिशन, वो हमारा कल्चर है, वो हमारी संस्कृति है। वैसे ही पॉलिटिकल कल्चर हमारा फेथ, हमारे बिलीव्स, हमारे ट्रेडिशन, पॉलिटिक्स की तरफ पॉलिटिकल कल्चर है, राजनीतिक संस्कृति है। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं किस पार्टी को वोट देती हूँ, किस पार्टी को पसंद करती हूँ, किसको नहीं, वोट देती हूँ या नहीं, वॉट इंटरप्रिटेशन ऑफ गवर्नमेंट्स वर्क आई हैव, हाउ आई कंसिडर गवर्नमेंट, ऑल दिस कॉन्स्टिट्यूट कल्चर ऑफ माइंड, पॉलिटिकल कल्चर ऑफ माइंड, ये सब हमारी, मेरी राजनीतिक संस्कृति का पार्ट है। हाउ आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ पॉलिटिकली इज माई पॉलिटिकल कल्चर। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, व्हाट कल्चर इज टू सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल कल्चर इज टू पॉलिटिकल सिस्टम। नाउ इन दिस कंटिन्यूएशन, गैब्रियल आमंड और सिडनी वर्बा की एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब आती है, द सिविक कल्चर। 1963 में इनकी एक बुक आती है द सिविक कल्चर, पूरा नाम है इसका पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस। Political attitudes and democracy in 5 nations, 1963 की किताब है, आमंड और वर्बा की। नाउ इस किताब में जो 5 nations की बात हो रही है, सिडनी और वर्बा पढ़ते हैं US, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, मेक्सिको, आई एम सॉरी, इट्स US, UK, जर्मनी, इटली, मेक्सिको, ये 5 nations के बारे में पढ़ते हैं सिडनी एंड वर्बा। US, UK, जर्मनी, इटली एंड मेक्सिको, हो सकता है आपसे डायरेक्टली सवाल पूछ लिया जाए कि इसमें से किस देश को वो पढ़ते हैं और किसको नहीं, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये देशों को पढ़ने के बाद सिडनी वर्बा हमें, सिडनी वर्बा एंड गैब्रियल आमंड हमें 3 तरीके के ओरिएंटेशंस बताते हैं, 3 ओरिएंटेशंस, कौन कौन से, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड इवैल्यूएटिव। कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन। कॉग्निटिव ओरिएंटेशन क्या है? एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसा समुदाय जहां पर लोगों के पास या तो बिल्कुल नहीं या तो बिल्कुल कम जानकारी है, अवेयरनेस है, तो यहां का कल्चर हो जाएगा पैरोकियल कल्चर, संकुचित संस्कृति। क्यों? क्योंकि लोगों के पास ईदर नो और लेस अवेयरनेस है। फिर आता है आपका इफेक्टिव कल्चर। इफेक्टिव कल्चर में लोगों के पास जानकारी नहीं है, नॉलेज है, नॉलेज है पर अवेयरनेस नहीं है, लोगों के पास ज्ञान है पर उतनी चेतना नहीं है, उतनी जागरूकता नहीं है, मतलब लोगों को पता है पॉलिटिक्स क्या है बट लोग बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली पार्टिसिपेंट नहीं है। सो ऐसे कल्चर को आप कहते हैं सब्जेक्टिव पॉलिटिकल कल्चर, सब्जेक्टिव पॉलिटिकल कल्चर। और तीसरा है इवैल्यूएटिव, जहां पर लोगों के पास
ज्ञान भी है, समझ भी है और जानकारी भी है, नॉलेज भी है और अवेयरनेस भी है। इसको आप कहते हैं पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। तो सिडनी वर्मा और गैब्रियल आर्मंड ने तीन तरीके के पॉलिटिकल कल्चर्स की बात की, पैरोकियल, सब्जेक्टिव और पार्टिसिपेंट। ये तीन पॉलिटिकल कल्चर्स को आप याद रखेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स अगर हम आगे बढ़ें और बात करें एक और इम्पॉर्टेंट आर्मंड और वर्मा के कॉन्ट्रीब्यूशन की, तो वो है स्लीपिंग डॉग्स थ्योरी। क्या है? सोते हुए कुत्ते का सिद्धांत। ये स्लीपिंग डॉग्स थ्योरी आर्मंड और वर्मा देते हैं जब वो यूएस की पढ़ाई करते हैं। व्हेन दे स्टडी द केस ऑफ यूएस, उन्होंने कहा कि अमेरिका के लोग जो हैं वो सोते हुए कुत्ते के भांति हैं। जैसे सोता हुआ कुत्ता गहरी नींद में सो रहा है, जब तक कोई उसको किक नहीं करता तब तक वो नहीं भौंकता, वो सो रहा होता है। मीन्स उसको किक चाहिए। सिमिलरली आमंद और वर्मा कहते हैं कि अमेरिका के लोग भी गहरी नींद में सो रहे हैं, जब तक कोई स्कैंडल नहीं होता, कोई वॉर नहीं होता, कोई आर्थिक संकट नहीं आता, इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आती, तब तक लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं। और जैसे ही कोई वॉर, स्कैंडल या आर्थिक संकट आता है तो लोगों की नींद खुल जाती है और लोग एकदम से बात करने लगते हैं, भौंकने लगते हैं। लोग कहते हैं कि सरकार को बाहर निकालो। दे कीप आस्किंग और दे इमीडिएटली स्टार्ट आस्किंग टू वोट आउट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को हटाने की बात करने लगते हैं। तो ये स्लीपिंग डॉग्स थ्योरी भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन में पूछी गई थी, तो इसलिए इसको भी आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आपके सिलेबस का छोटा सा टॉपिक है जो मुझे आपको कवर कराना था। एक और इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, वो भी थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हैं, वो है एस ई फाइनर का क्लासिफिकेशन। एस ई फाइनर ने पॉलिटिकल कल्चर को चार कैटेगरीज में डिवाइड किया है। मैच्योर पॉलिटिकल कल्चर, डेवलप्ड पॉलिटिकल कल्चर, लो पॉलिटिकल कल्चर और मिनिमल पॉलिटिकल कल्चर। ये क्लासिफिकेशन क्वालिटी के बेसिस पर है, गुणवत्ता के बेसिस पर है। मैच्योर पॉलिटिकल कल्चर, जहाँ पे सब लोगों को बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल जानकारी है, अवेयरनेस है, फिर उससे कम डेवलप्ड, उससे कम लो और सबसे कम मिनिमल। उन्होंने एग्जांपल भी दिया है, वो एग्जांपल्स भी मैं आपको बता देती हूँ। ब्रिटेन में उन्हें मैच्योर पॉलिटिकल कल्चर मिलता है, इजिप्ट में उन्हें डेवलप्ड पॉलिटिकल कल्चर मिलता है, वियतनाम में उनके हिसाब से लो पॉलिटिकल कल्चर है, और प्री फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो पॉलिटिकल कल्चर था वो मिनिमल पॉलिटिकल कल्चर था। सो आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन भी समझ आ गया होगा। सो विद दिस वी विल एंड द सेशन, बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सबके लिए। इन्फॉर्मेशन ये है कि 25 जनवरी और 26 जनवरी को हमने मेगा सेल एक अनाउंस की थी, जिसमें आपको हम हमारे सारे पेड कोर्सेज पर 50% ऑफ दे रहे हैं। तो अभी भी ये सेल लाइव है, जाइए एंड टू डू टेक द बेनिफिट ऑफ दिस सेल। सिर्फ आपको रिपब्लिक 50 कोड यूज़ करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा एक लिंक, उस लिंक के थ्रू आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप जून अटेम्प्ट के लिए एम कर रहे हैं, दिस इज द राइट टाइम टू अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस सेल। विद दिस आई एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन योर नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टे ट्यून्ड ऑन बायजूस एग्जाम प्रेप यूट्यूब चैनल। थैंक यू।